बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रंजीत सिंह चौटाला ने कहा कि जेलों में सुधार के लिए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। अब जेलों में मोबाइल मिलने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। सभी जेल सुप्रिटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को जेलों में मोबाइल मिलने की घटनाओं पर 20 जनवरी से पहले रोक लगाने को कहा गया है। उनसे कहा गया है कि जेलों में मोबाइल मिलने की घटना होने पर जिससे मोबाइल बरामद हुआ है उसकी कार्रवाई बाद में की जाएगी, पहले जेल सुपरिटेंडेंट या डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को दोषी मानते हुए उन पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसी के साथ जेलों में टेलीफोन इस्तेमाल की कॉल डिटेल जानकारी मांगी गई है। न्यूज फॉर यू के लिए डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट। देखिए, अब मैं जेल का भी देख रहा हूँ कि जेल में हमारे यहाँ ज्यादा नहीं है, जैसे और स्टेटों में, मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लूंगा, कि लोग सुरंग निकाल खोद के भी बाहर भाग जाते हैं। ऐसा हुआ है हिंदुस्तान में, ऐसा भी हुआ है कि लोग है ना बाहर निकलते बाहर काउंटर फायरिंग करके हो गए, दीवार फांद के भी गए। हमारे हरियाणा में आज तक ऐसी घटना नहीं हुई। हाँ, मोबाइल लेके दुखे, कभी कोई गुड़गावा पकड़ा गया, करनाल पकड़ा गया, मेरे नोटिस में है कुछ जेलों में ऐसा थोड़ा बहुत हो रहा है और कभी कभी पकड़े भी गए। अब मैंने एक सिस्टम करा है कि मैंने मेरे DGP को बुलाए और दूसरे ऑफिस को बुलाए, उसमें सब जितनी जेलें हैं उनसे कॉल का रिकॉर्ड मंगवा रहा हूँ कि जिस जेल में अगर 50% फ़ोन होते हैं, जो हर जेल का रिकॉर्ड आ रहा है, 50% होते हैं तो समझो वहाँ चोरी कम है। जहाँ 20% और 25%, 29%, 30% से नीचे है वहाँ समझो कि मोबाइल यूज़ हो रहे हैं, तो मैं भी उन्हें पकड़ रहा हूँ। अब मैं जेल के जितने स्टूडेंट जेल हैं उन्हें सबको मैसेज दे के ये कह रहा हूँ, DGP के भी जुमे लगाए हैं, कि मैं उन्हें 20 तारीख दे रहा हूँ, आज 11 तारीख है, 9 दिन और है, कि 20 दिन में जितने मोबाइल हैं उन्हें वो पकड़े ढूंढे, 20 तक का समय में किसी को कुछ नहीं कह रहा। 20 के बाद जहाँ भी मोबाइल पकड़ा गया जिस जेल में, मोबाइल वाले को बाद में छेड़ेंगे, पहले उस स्टूडेंट जेल को डिप्टी स्टूडेंट जेल पर उस पर तुरंत उसी दिन एक्शन होगा। मैं समझता हूँ कि इसके बाद जेल से मोबाइल जो है वो हट जाएगा, नहीं रहेगा। ये मैंने मैसेज सभी स्टूडेंट को दे दिया है, ये मेरा जेल डिपार्टमेंट में ये मेरा अगला एक्शन होगा।